माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है करप्शन इन फार्मेसी कॉलेजेस। आप देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मैंने सर्वे किया फार्मेसी कॉलेजेस का, स्टूडेंट से भी मैंने मिला, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो सबसे बात उभर के आती है कि नंबर 1, हाइजीनिक कैंपस का ना होना। मोस्ट ऑफ़ द कॉलेज में हाइजीनिक कैंपस नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ केमिकल्स इन द लेबोरेटरीज़। जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या वॉट एवर फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी जो भी लैब्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर केमिकल्स का अभाव, इससे कि बच्चों का भी इंटरेस्ट प्रैक्टिकल से दूर होता है और गाड़ी चलती रहती है। थर्ड प्रॉब्लम हम बात करें तो वह है कि फैकल्टी मेंबर्स का नंबर, यानी कि फैकल्टी मेंबर्स की संख्या। अगर 100 सीट इंटेक की हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी में, तो आपका 25 फैकल्टीज होनी चाहिए, उसमें कि एक प्रिंसिपल और आपके 4 HODs होने चाहिए। लेकिन अगर हम एक्चुअल में कॉलेज के सर्वे की बात करें, तो मैं समझता हूँ कहीं पर 8 फैकल्टी, कहीं पर 9, कहीं पर 10, और बहुत कम कॉलेज होंगे जो डेकोरम मेंटेन कर पाते हैं, ये पूरा का पूरा नॉर्म्स में फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि फिर इन्हें अप्रूवल क्यों मिल कैसे मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। नंबर 1, द गवर्नमेंट। नंबर 2, द सिस्टम। सिस्टम का मतलब है यहाँ पे AICTE, PECI और आपके ब्यूरोक्रेट्स, इसमें सारे लोग आते हैं। और 3rd 1 अगर हम बात करें तो कॉलेज का मैनेजमेंट। कॉलेज का मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको लगता है कि हम इस सिस्टम से सेटिंग हमारी होती है, हमें अप्रूवल मिलेगा, हम चाहे जैसे भी कॉलेज को चला सकते हैं, यहाँ हमें रोकने वाला कोई नहीं है और ना ही हमारी कोई अपोज, हमारे मतलब कह सकते हैं कि कोई अपोज भी नहीं कर सकता है। फैकल्टी तो सोच ही नहीं सकता अपोज करने के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, एक सबसे बड़ा गंदा खेल जो कॉलेजेस करते हैं कि अगर एक फैकल्टी की सैलरी, एवरेज सैलरी में 25,000 लेता हूँ, 25 फैकल्टीज़ अगर हैं तो टोटल 6,25,000 पर मंथ का कॉलेज सैलरी प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर केवल वहाँ पे हैं 10 फैकल्टी, वो भी सैलरी की प्रोफाइल की बात करेंगे, हम 25,000 भी लेके चलते हैं उनका, तो कॉलेज दे रहा है 2.5 लाख रुपये। यानी कि जो ये आपका डिफरेंस है 6,25,000 और 2.5 लाख में, ये अप्रॉक्सीमेट देखिए, अगर आप इसमें कैलकुलेशन करके देखें तो आप देखें 6.25 माइनस 2.5, यानी कि 3,75,000 कॉलेज पर मंथ सेव कर रहा है फैकल्टीज़ का। ये 3,75,000 क्या है, ये कहीं ना कहीं फार्मेसी के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जा रहा है। तो नंबर 1, मैं समझता हूँ कि रोज़गार के चांसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, लेकिन ये कॉलेजेस, ये मैनेजमेंट वाले उसको किल कर रहे हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको बिलो स्टैंडर्ड एजुकेशन दे रहे हैं, कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हैं, तो हम उनसे उम्मीद ना करें कोई इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगे। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो नहीं होंगे। यहाँ पे आप सोचिए कि एक हमारे कहीं के कंट्री का लॉस है। आप, मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए, क्या ये आवाज़ उठनी चाहिए? क्या ये जो PCI का इंस्पेक्शन होता है, ये किस आधार पर होता है? और जो लोग फाल्स फैकल्टी मेम्बर्स का हिस्सा बनते हैं, उनके खिलाफ पेनल्टीज़ होनी चाहिए, और उसके अलावा कॉलेजेस पे भी पेनल्टी होनी चाहिए और उनका कोर्स बैन कर देना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। और अगर ऐसा होता है, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, PCI AICTE की तरफ से, अगर ये काले धंधे में लोग इन्वॉल्व ना हों, गलत चीज़ों को बढ़ावा ना दें, तो मैं समझता हूँ फार्मेसी की स्थिति और बेहतर होगी और हमारे जो भी भाई एकेडमिक में हैं उनका भला होगा, और साइमल्टेनियसली जो हमारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो भी हमारे एट पार होंगे, इंडस्ट्री के लिए फिट होंगे, या वॉट एवर जो वो करना चाहते हैं उनके लिए फिट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे देश के भविष्य हैं और हमें अपने देश के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ सिस्टम से, PCI AICTE, अपनी मिनिस्ट्री से, और मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, और मैं कॉलेज के मैनेजमेंट से भी कहता हूँ कि मैं एक भारत का साधारण नागरिक हूँ, आई एम ए कॉमन मैन ऑफ इंडिया, I am a pharmacist of India। मैं कहता हूँ कि अब इसको सुधार लीजिए, नहीं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी और ये बंद नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।